नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी सदन की कार्यवाही को एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया है। कल सुबह तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। दरअसल बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप भी इस दौरान सामने आया है। आप पार्षदों ने हिंसा की, ये कहना है मनोज तिवारी का। तो अहम खबर, बड़ी खबर, कल सुबह तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन इस बीच बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप जो है वो लगा रही है। बीजेपी का ये कहना है कि आप पार्षद जो है वो लगातार हिंसा कर रहे हैं, उन्होंने हिंसा की है, तो आप वर्सेस बीजेपी में जंग जो है वो देखने को मिल रही है। एमसीडी सदन में हुड़दंग की ये तस्वीरें आप देखें कि पहले आम आदमी पार्टी की जीत जो थी वो देखी गई हमने कल, लेकिन उसके बाद बीजेपी जो है वो लगातार इस पर आरोप लगा रही है। तो मेयर दिल्ली को मिल चुका है, आम आदमी पार्टी की ये शानदार जीत हो चुकी है, आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। लेकिन जो तनातनी थी आम आदमी पार्टी के और बीजेपी के बीच, वो तनातनी लगातार बरकरार है। फिलहाल कल सुबह तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। तो कल रात मिडनाइट ड्रामा भी चला, आज सुबह हंगामा हुआ, तस्वीरें अलग अलग आपको सब हम दिखाने की कोशिश करें। देखिए, चुनाव पर बवाल है लेकिन सदन का बुरा हाल है। तो आप देखिए कि किस तरीके से पहली तस्वीर में सिविक सेंटर में हंगामे की तस्वीर आप देखिए, उसके बाद आप देखिए कि कैसे बीजेपी वर्सेस आपकी कंडीशन जो है वो नजर आई वहां पर। और सबसे बड़ी बात ये कि हाथापाई तक की नौबत आ गई, हाथापाई की कार्रवाई हो गई और जो पार्षद थे उन्होंने प्रदर्शन किया। लेकिन इसी दौरान कुछ लोग ऐसे भी थे जो सदन में सोते हुए नजर आए, उनकी भी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 फिलहाल अलग अलग कैमरे की नजर से आपको तस्वीरें दिखाते हुए कि किस तरीके से चुनाव पर बवाल जो है वो लगातार चल रहा है, सदन का बुरा हाल है। और मेयर शैली का ये आरोप है कि बीजेपी के जो पार्षद है वो लोग हंगामा कर रहे हैं और मोबाइल पर एतराज है। और इसके अलावा पहले मिडनाइट ड्रामा भी देखा हमने कल रात, काफी देर तक जो बीजेपी के कार्यकर्ता वो वहां पर रहे। सदन की मर्यादा जो है वो तार तार हो रही है क्योंकि हंगामा बार बार हो रहा है। तो एमसीडी सदन में हुड़दंग की ये कुछ तस्वीरें हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं, इनको आप देखिए कि किस तरीके से कल दिल्ली को मेयर मिला है लेकिन आज ये हंगामे की तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। तो तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि बड़ी खबर, अहम खबर यही है कि फिलहाल हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। पार्षद जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथापाई तक की नौ बता रही है, सिविक सेंटर में लगातार हंगामा हो रहा है, बीजेपी वर्सेस आप जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और उधर दिल्ली की नवनिर्वाचित मेयर शैली ओब्राय ने न्यूज इंडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। दिल्ली की मेयर शैली ओब्राय हमारे साथ हैं। शैली जी, मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव तो हो गया लेकिन स्टैंडिंग कमेटी में रात भर जो हंगामा चला है, वजह क्या थी, कहां से शुरू हुआ बवाल? जी देखिए, कल आपने, हमने और दिल्ली की जनता ने, सबने देख लिया कि मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव हो गए। उसके बाद जब स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की शुरुआत हुई, शांति पूर्वक हो रहा था, उसके बाद सडनली जब 45-47 वोट डल जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पार्षद हैं वो वेल में आकर हंगामा करना शुरू कर दिया। और वो बेबुनियाद हंगामा था, मोबाइल फ़ोन का मुद्दा जानबूझकर उठाया गया क्योंकि किसी भी एक्ट में, किसी भी रूल में ये नहीं लिखा गया कि वोटिंग के दौरान मोबाइल फ़ोन अंदर नहीं ले जा सकता, बेशर्ते वो साइलेंट हो। तो जानबूझकर हंगामा किया गया, तोड़फोड़ की गई, पार्षदों पर हमला हुआ, मुझ पर हमला हुआ, पोडियम को तोड़ा गया, बैलेट बॉक्स को उठाकर फेंका गया, साथ ही बैलेट पेपर की बुकलेट को फाड़ा गया। तो साफ साफ दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी चाह ही नहीं रही थी कि कल वोट हो, और उन्हीं के हंगामे की वजह से बार बार सदन को हमें स्थगित करना पड़ा, जिसकी वजह से आज सुबह हमने कल तक की बैठक, तो कल सुबह 10 बजे तक बैठक बुलाई है और कल तक स्थगित किया है। पूरी रात हम लोग जद्दोजहद करते रहे कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, जो आदेश है, तीनों चुनाव एक ही दिन में हो जाएं, बट ऐसा कल सदन में नहीं किया जाने दिया। जो मांगे बीजेपी के पार्षदों ने उठाई थी कि जो मोबाइल फोन को बैन कर दिया जाए, वो मांग तो आपने मान ली थी कि अब मोबाइल फोन यूज नहीं होगा, फिर वो कह रहे हैं कि दोबारा से सारे चुनाव कराए जाए। और इसमें यह भी खबर आई कि जो बैलेट बुक थे उसमें बैलेट पेपर की जो संख्या थी वो भी खत्म हो रही थी। जी देखिए, बार बार उनका मुद्दा था मोबाइल फ़ोन को बैन करिए, तो हमने वो उनकी बात मान ली, ना चाहकर भी मान ली, ताकि हंगामा ना हो, सदन शांतिपूर्वक चले और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव हो। पर उसके बाद वो नया मुद्दा लेके आ गए कि अब री इलेक्शन कराओ, अब दोबारा से एक से इलेक्शन शुरुआत करी जाए, बट वो बेबुनियाद है। जो
वोट डिब्बे में डल चुके हैं, हम उनकी मोबाइल फोन की बात मान चुके थे, हम उनको कैंसिल किस आधार पर करते? कोई वैलिड रीजन तो होता उसको, हम उनको कैंसिल नहीं कर सकते थे। इसीलिए हमने चुनाव सदन में बार बार बोला कि आगे से अब चुनाव होंगे, जितने वोट डल चुके हैं उसके आगे की वोटिंग होगी। कैमरा शिव कुमार के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया दिल्ली। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी नमित त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो खुद वहां पर मौजूद हैं इस वक्त। नमित, सबसे बड़ा जो सवाल है वो इस वक्त यही है कि मेयर चुनाव के बाद ये आखिर कैसी महाभारत है जो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। देखिए, जरा इस बात को समझ ले के लिए निदा हमें थोड़ा सा कल पर जाना पड़ेगा, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव तो शांतिपूर्वक तरीके से हो गया। उसके बाद 6 बजे जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के लिए चुनाव शुरू हुआ, तो वहां पर सबसे पहले मेयर ने ये कह दिया कि अगर आप अपने वोटिंग के दौरान फोन ले जाना चाहे तो आप ले जा सकते हैं, लेकिन ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करेगा कि आपको ले जाना है या नहीं ले जाना है। उसके बाद जो स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्य थे उसके लिए वोटिंग शुरू होती है। तकरीबन 45 जो पार्षद थे 250 में से, वो अपने वोटिंग अधिकार का उपयोग कर चुके थे। उसके बाद जैसे ही, क्योंकि 5-5 पार्षदों को वोटिंग के लिए बुलाया जा रहा था और ये जो वोटिंग थी वो बैलेट पेपर के जरिए हो रही थी, उसके बाद जैसे ही 46 से माफी चाहूंगा, जैसे ही 46 से 50 तक के जो पार्षदों को बुलाया गया वोटिंग के लिए, उसके बाद ये कहा गया कि बीजेपी के पार्षदों ने यह आरोप लगाया कि जो आम आदमी पार्टी के पार्षद वोट कर रहे हैं वो फोन से उसका फोटो क्लिक कर रहे हैं, इस बात पर आपत्ति दर्ज कराई बीजेपी के पार्षदों ने। उसके बाद ये लगातार हंगामा हुआ, सदन 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई, क्योंकि लगातार बीजेपी के पार्षद हंगामा कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी के पार्षद फोटो खींच रहे हैं वोटिंग के दौरान। फिर ये बात आई कि क्या इस फोन को ले जाने के लिए आप इसको बंद कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के पार्षद लगातार हंगामा कर रहे थे। जो मेयर थी शैली ओबराय, और उस वक्त वो पीठासीन अधिकारी भी हैं क्योंकि वो मेयर बन चुकी हैं, उन्होंने कहा कि चलिए आप ये कह रहे हैं कि फोन नहीं ले जाने दिया जाने, हमने उस बात को मान लिया, यानी कि अब जितने भी वोट डलेंगे स्टैंडिंग कमेटी के उसमें फोन अलाउ नहीं होगा। उसके बाद फिर से शांतिपूर्वक वोटिंग चली, अगले 5 मिनट तक सदन की कार्यवाही चलती रही। फिर 10 मिनट के बाद फिर से बीजेपी के पार्षदों ने हंगामा किया, और अब की बार हंगामा इस बात पर था कि जो 45 वोट पड़ चुके हैं उन वोटों को कैंसिल किया जाए और दोबारा से स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव करा जाए, यानी कि सारी वोटिंग दोबारा से की जाए। कुल मिलाकर के नवीन, जो हंगामा हम देख रहे हैं कि कल हमने देखा, नवीन आपने भी देखा, हमने भी देखा कि कल भी हंगामा होता रहा, रात भर हंगामा चलता रहा, कल शाम से आज सुबह हो गई लेकिन हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा लग रहा है जैसे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लिए अब ये नाक की लड़ाई बन चुकी है। नामित, देखिए बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो मेयर और डिप्टी मेयर हमारा बना है इसको शायद बीजेपी पचा नहीं पा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का यह आरोप है कि पिछले 15 सालों में जो बीजेपी ने एमसीडी के शासन में बैठकर मलाई खाई है शायद उनको उनकी आदत छूट नहीं रही है। यही वजह है कि वो लोग बेवजह का हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि जब दिल्ली के अंदर एमसीडी का चुनाव हुआ था निदा, उसमें भी कोर्टो ये कहा गया था कि आप अगर चाहें तो अपना फोन ले जा सकते हैं, तो ये तो कहीं नहीं लिखा है कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में आप फोन नहीं ले जा सकते, ऐसा आम आदमी पार्टी का तर्क है। और दूसरी बात ये, अभी कुछ देर पहले ही शैली ओबराय से मेरी बातचीत हुई थी, उनका ये कहना था कि पहली मांग तो हमने उनकी मांग ली, लेकिन दोबारा चुनाव जो स्टैंडिंग कमेटी का होगा उसमें, यानी कि जो 45 जो बैलेट पेपर का यूज हुआ है, जो कि 45 वोट पड़ चुके थे, वो तो पूरी तरीके से खराब हो गए। अब कल चुनाव कराने के दो पहलू हैं निदा। पहला ये कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि कल ही के दिन मेयर डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो, यानी कि तीनों चुनाव होने चाहिए थे कल की डेट में, और यही वजह थी कि जो शैली ओबराय थी मेयर वो अनिश्चितकाल के लिए सदन को स्थगित नहीं कर रही थी। कल हमने देखा देर शाम तक सदन चलता रहा, कभी आधे घंटे के लिए स्थगित हुआ, कभी 1 घंटे के लिए स्थगित हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन भी करना था, यानी कि तीनों चुनाव एक साथ कराने थे, लेकिन वो हो ना सका क्योंकि लगातार बीजेपी के पार्षद हंगामा करते रहे। और कल देर रात तो नौबत ये आ गई कि जो बीजेपी की मेयर पद की उम्मीदवार थी रेखा गुप्ता, उन्होंने पीठासीन अधिकारी के पास जो पोडियम होता है वो वीडियो भी सामने आई, उसको पोडियम को हिलाते हुए नीचे गिर दिया। और सुबह जब दोबारा से सदन की कार्यवाही शुरू हुई 8:30 बजे, उस दौरान अमित नागपाल जो कि बीजेपी के पार्षद हैं, उन्होंने बैलेट पेपर को फाड़ दिया, और फिर मेयर ने ये फैसला लिया कि सदन की कार्यवाही को कल 10 बजे तक के लिए स्थगित करते हैं। ये सब तस्वीरें जो हमने देखी कि क्या कहते हैं रेखा गुप्ता ने क्या क्या, अमित नागपाल ने क्या क्या, तो अब ऐसे में बीजेपी पार्षद रेखा गुप्ता और अमित नागपाल पर कार्रवाई होगी क्या?
देखिए बिल्कुल यही सवाल मैंने शैली ओबराय से पूछा था कि कल जैसे ही सदन की कार्रवाई कल 10 बजे शुरू होगी तो उन्होंने कहा कि हम चर्चा करेंगे कि क्या एक्शन रेखा गुप्ता और अमित नागपाल पर लिया जा सकता है। जो बात का जिक्र मैं कर रहा था कि कल दोबारा स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव क्यों नहीं करा जा सका, उसके पीछे एक पहलू यह भी है निदा कि जो बैलेट बुक होती है उसमें 300 बैलेट पेपर होते हैं और 55 वोट यानी कि 45 वोट डल चुके थे और 10 पार्षदों को बैलेट पेपर दिया जा चुका था, यानी कि बैलेट बुक में जो 300 बैलेट पेपर होते हैं उसमें से 55 यूज हो चुके थे, बचे 245 और पार्षद हैं 250, यानी कि दोबारा तो चुनाव किसी भी कीमत पर कल नहीं हो सकता था क्योंकि बैलेट पेपर ही खत्म हो जाते, ये तर्क एमसीडी के अधिकारियों की तरफ से भी दिया गया था। तो कुल मिलाकर अब जब कल सदन की कार्रवाई शुरू होगी, पहला तो सवाल ये कि क्या उन दो पार्षदों पर क्या कार्रवाई होगी, दूसरा ये कि क्या शैलू ओबराय जो कि अभी मेयर हैं वो दोबारा से स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराएंगे या फिर 45 वोट जो हो चुके हैं उससे आगे का चुनाव होगा। बिल्कुल नमी, सबसे बड़ी बात यह है जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये तमाम माननीय लोग हैं, ये तमाम वो लोग हैं जिन्हें जनता ने चुना है, ये तमाम वो लोग हैं जिन्हें अपनी पद की गरिमा का अगर ख्याल होगा तो शायद ऐसी नौबत नहीं आएगी। लेकिन अगर इस तरीके से सदन के अंदर, क्योंकि खबर जो थी वो ये भी आ रही थी कि जब हंगामा हुआ और ये लोग कल से लगातार हंगामा कर रहे हैं और हंगामा जब इतना ज़्यादा बढ़ गया तो उसके बीच जो DCP है एडिशनल शशांक जायसवाल वो सिविक सेंटर पहुँच गए, मतलब अब पुलिस को बुलाने की नौबत आ जाएगी। ये हाल इन मनोनीत सांसदों का, इन लोगों का है, सबका पार्षदों का। अगर इन लोगों की तस्वीर अभी ऐसी है तो फिर ये आगे दिल्ली वालों को या दिल्ली वासियों को कैसे एक सही दिशा में ले जाएंगे, क्या मैसेज देने की कोशिश इन गणमान्य लोगों की तरफ से की जा रही है? देखिए निदा बड़ा सवाल तो यही है कि दिल्ली की जनता ने तो अपना जिम्मेदारी निभा दी वोट देकर, लेकिन अब जिम्मेदारी है अंदर जितने चुने हुए पार्षद जो आए हैं सिविक सेंटर के अंदर, एमसीडी के सदन के अंदर, वो कैसे दिल्ली के एमसीडी के काम जो पिछले 2 महीने से ठप पड़े हैं उसमें रफ्तार कैसे पकड़ी जाएगी, क्योंकि अभी जो मेयर बनी इनके पास तो महज 40 दिन का वक्त है। इन 40 दिनों में इनको खुद को प्रूफ भी करना है कि वो मेयर बनी है तो क्या कर रहे हैं दिल्ली के लिए, लेकिन वो प्रूफ तो तब होगा जब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा। और जिस बात का आपने जिक्र किया कि फोर्स बढ़ाई गई, फोर्स बढ़ाने की नौबत इसलिए आई क्योंकि कल देर रात जो तस्वीरें पिछले 30 साल के इतिहास में एमसीडी के सदन में नहीं देखी गई वो देखा गया। पानी की बोतलें पार्षद एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे, बैलेट पेपर को फाड़ दिया गया, धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। और जिस गेट पर हम खड़े हैं ये देखिए, ये फूल मालाओं से सिविक सेंटर के गेट को सजाया गया था, यानी कि तीनों जो चुनाव थे वो चाहे शांतिपूर्वक तरीके से हो सके लेकिन वो हो ना सका। केवल मेयर और डिप्टी मेयर के बाद स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में हंगामा हुआ। और जिस फोर्स की आप बात कर रही हैं, कुछ देर पहले यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज की जो संख्या को रात बढ़ाया गया था वो कुछ देर पहले यहाँ से निकले हैं क्योंकि सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित होगी। अभी भी देखिए दिल्ली पुलिस के जवान आपको नजर आ रहे होंगे, भारी संख्या में फोर्स को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया था रात क्योंकि हालात बेकाबू हो गए थे। ऐसे में कल जब सदन की होगी वहां पर यह भी समझने वाली बात होगी कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े, इसलिए फोर्सेस को फिर दोबारा से डिप्लॉय किया जाएगा। बिल्कुल, अभी एक चीज और जानना चाहूंगी, क्या फाइनेंशियल पावर्स हैं एमसीडी की स्थायी समिति के, जिसके चुनाव के लिए रात भर आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो है वो भिड़ती रही, कितनी पावर है? क्योंकि ये सब कुछ जो है वो पावर की जंग है, शक्ति प्रदर्शन की जंग है। देखिए दरअसल स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव होता है, 6 सदस्यों के लिए स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होता है और जो जोन वाइज होता है, ये जोन वाइज इलेक्शन का चुनाव होता है, तो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य में जो पार्टी जीतती है उसका जोन के अंदर काफी दबदबा रहता है। तो निश्चित तौर पर क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास भले ही 134 पार्षद हों लेकिन 104 पार्षद बीजेपी के पास भी हैं, वो मजबूत विपक्ष के तौर पर दूसरी तरफ बैठे हुए हैं। ऐसे में अगर स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा तो वो भी कोशिश करेंगे कि 6 में से 3 से ज्यादा जो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं वो उनके पक्ष में जाएं, और अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में उनका भी थोड़ा बहुत योगदान तो जरूर रहेगा एमसीडी के कार्यकाल में। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ निदा मैं बार बार उसी बात पर आ रहा हूँ कि जो फैसला आम आदमी पार्टी ने पिछले 2 महीनों में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हुआ, ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो क्या बीजेपी भी सुप्रीम कोर्ट जाएगी इस फोन वाले इशू को लेकर? बिल्कुल, बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है नवीन, जिक्र लगातार हम करेंगे, शैली ओबराय मेयर जरूर बन गई लेकिन महज 40 दिन के वक्त में जो हालात, जो तस्वीरें अभी सामने आ रही हैं उनके लिए चुनौतियां जो हैं वो बहुत ज्यादा खड़ी होने वाली हैं सामने, क्योंकि उनके ये 40 दिन बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए नमित, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लगातार हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए नमित आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी इधर आम आदमी पार्टी पर कई आरोप लगा रही है। बीजेपी ने एक और बड़ा आरोप लगाया है कि आप पार्षदों ने हिंसा की है,
ये कहना है मनोज तिवारी का। एमसीडी सदन की घटना जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कहते नजर आए मनोज तिवारी। तो बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही है वो वाकई में हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है और सोचने समझने वाली है कि अगर जो हमारे गणमान्य लोग हैं इन लोगों की कंडीशन ये है तो फिर अंदाजा लगाइए कि ये आम जनता को, दिल्ली की आवाम को क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल आप पार्षदों ने हिंसा की, ये आरोप मनोज तिवारी का। और उधर आपको बता दें कि जो एमसीडी सदन की घटना उसे दुर्भाग्यपूर्ण बीजेपी बता रही है। क्या कुछ कहा मनोज तिवारी ने सुनवा देते हैं आपको। साथियों, जो दृश्य हम लोग अभी यहां देखे हैं और जो दृश्य दिल्ली के लोग देख रहे हैं एमसीडी के सदन में, मैं समझता हूं कोई भी किसी भी सदन में ऐसे दृश्य की कल्पना नहीं कर सकता, न तो देखना चाहता है। कल मैं भी वोटिंग में शामिल था, महापौर के चुनाव में भी और उप महापौर के चुनाव में भी बड़ी शांति से चुनाव हुए, लेकिन जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं और जो दृश्य आज पूरा देश देख रहा है वो मात्र संयोग नहीं है, वो एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है और ये आम आदमी पार्टी के चरित्र में शामिल है। साथियों, जो दृश्य तो आप पार्षदों ने हिंसा की है, ये कहना है मनोज तिवारी का। तो एमसीडी सदन की घटना जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कहते हुए नजर आए मनोज तिवारी। तो बीजेपी जो है वो लगातार आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप जो है वो लगा रही है, आप पार्षद जो है वो हिंसा कर रहे हैं, तो एमसीडी सदन की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, आपने सुना। तो हाथापाई हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही को एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा में स्थायी समिति का चुनाव जो है वो लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। सदन में हाथापाई की नौबत आ गई, एक दूसरे पर बोतल फेंकी गई और उसके बाद सत्र जो है वो ही स्थगित कर दिया गया। तो आपको बता दें कि लगातार एक के बाद एक हंगामे के चलते दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के सदस्यों का जो चुनाव है उस दौरान हंगामा लगातार होता रहा, लगातार हंगामा जारी रहा। और आपको बता दें कि जिस तरीके से कल रात से सदन की कार्यवाही पांचवी बार स्थगित हुई है और जैसे ही कार्यवाही शुरू होती थी पार्षदों का हंगामा शुरू हो जाता था, और कल भी हाथापाई हुई, बोतें फेंकी गई और आज सवेरे तक सदन में कागजी गोले जो थे वो रुक रुक कर चल रहे थे एक दूसरे की तरफ से। महिला पार्षद जो थी वो भी आपस में भिड़ती हुई नजर आई। हंगामे के मद्देनजर एडिशनल डीसीपी शशांक जायसवाल भी वहां पहुंचे, उन्होंने भी सिविक सेंटर का दौरा किया। तो आप समझ लीजिए कि हालात जो है वो कितने कंट्रोल से बाहर हो रहे थे कि वहां पर पुलिस को आना पड़ा। और इससे पहले डिप्टी मेयर का चुनाव होने के बाद बुधवार रात स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हंगामे के कारण जो था वो फंसा रहा। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में सदन के अंदर आम आदमी पार्टी और भाजपा के पार्षदों ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे चलाए और पानी की बोतल जो थी वो फेंक कर मारी। देखिए किस तरीके से यहाँ पर हंगामा जो है वो हो रहा है। ना आम आदमी पार्टी पीछे हटने को तैयार है, ना बीजेपी पीछे हटने को तैयार है। तो दरअसल मेयर डिप्टी मेयर तो मिल चुका है दिल्ली वासियों को, लेकिन जो तकरार है, जो रार है आम आदमी पार्टी और बीजेपी में, वो थमने का नाम नहीं ले रही है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आम आदमी पार्टी के एमएलए जनरल सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनरल सिंह साहब, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली को मेयर मिल गया, अभी तक दिल्ली बिना मेयर के चल रही थी, डिप्टी मेयर मिल गया, लेकिन बीजेपी चाहती क्या है? क्यों इतनी महाभारत हो रही है? क्यों समझ में नहीं आ रहा कि दिल्ली की जनता ने जिस पर भरोसा जताया उसको काम करने दीजिए? तो चलिए जुड़ने की कोशिश करेंगे, आम आदमी पार्टी के विधायक है जनरल सिंह साहब, जिनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी के लिए इन हालातों में कितना चुनौतीपूर्ण एमसीडी को चलाना, कितना चुनौतीपूर्ण जो वादे आम आदमी पार्टी ने किए हैं दिल्ली की जनता से। तो लगातार आपको हम बता दें हंगामा जो है वो बरपा है यहाँ पर। तो दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव के दौरान सदन में लगातार हंगामा जो था उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। कल रात से सदन की जो कार्यवाही थी वो पांचवीं बार अब स्थगित हुई है, लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही कार्यवाही शुरू होती थी पार्षदों का हंगामा जो था वो शुरू हो जाता था, और कल हाथापाई हुई, बोतलें फेंकी गई और आज सवेरे सदन में कागजी गोले जो थे वो लगातार हमने देखा कि कैसे एक दूसरे पर फेंके जा रहे थे। तो पहले मिडनाइट ड्रामा हुआ, उसके बाद सुबह में फिर से हंगामा जो था वो चलता रहा। सदन की मर्यादा तार तार हो रही है, हंगामा बार बार हो रहा है, आप वर्सेस बीजेपी में जंग जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। सदन में देखिए हुड़दंग की तस्वीरें कैसे सामने आई है यहां पर।
तो दिल्ली एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव की बैठक जो है वो कल तक के लिए स्थगित हो चुकी है। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं जनरल सिंह साहब के साथ। जनरल सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जनरल सिंह जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, दरअसल हम कोशिश कर रहे थे आम आदमी पार्टी का पक्ष जो है वो जनता तक पहुंचाए और समझाए जनता, दिल्ली की जनता को, क्योंकि दिल्ली की जनता हैरान है, परेशान है, क्योंकि अभी तक आपने देखा कि 80 दिन बाद दिल्ली को मेयर मिला था, 80 दिन से दिल्ली में कोई मेयर नहीं था, तो एक उम्मीद जगी थी कि शायद जो रुके हुए काम है, जो पेंडिंग काम है वो हो पाएंगे। लेकिन अगर यही हालात रहे, ऐसी तरीके से हाथापाई होती रही, तो फिर आप समझ सकते हैं कि दिल्ली का काम कैसे होगा। तो मेयर शैली का आरोप है कि बीजेपी पार्षदों ने चोट पहुँचाई है। वहीं जो बीजेपी है वो ये कह रही है कि लगातार आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो हिंसा पर उतारू हैं, हिंसा कर रहे हैं। तो हाथापाई और हंगामे के बीच सदन पांचवी बार जो है वो स्थगित होगा, हुआ हो गया, हो चुका है। आपको बता दें कि मेयर चुनाव के बाद सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि आखिर ये कैसी महाभारत है कि शाम से सुबह हो गई, लेकिन एमसीडी सदन में रात भर यही हंगामा जो था वो चलता रहा। तो तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि आप ये तस्वीरें देखिए और समझिए। अब सवाल ऐसे में यह है कि एमसीडी की कार्यवाही तो स्थगित हो चुकी है, लेकिन गृह गुप्ता और अमित नागपाल जिन पर बड़े आरोप लग रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, और ऐसे में जब न्यूज इंडिया ने दिल्ली के मेयर शैली ओबराव से बातचीत करके जानने की कोशिश की, तो उनका यही जवाब था कि हम लोग अभी आपस में बैठकर बातचीत करेंगे, उसके बाद कोई फैसला जो है वो हम लेंगे। तो लगातार दिल्ली एमसीडी सदन में दंगल जो है वो देखा जा रहा है। नए मेयर जो है वो बड़े आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी पार्षदों ने मेरे ऊपर हमले की कोशिश की। वहीं जो बीजेपी है वो ये कह रही कि आम आदमी पार्टी जो है वो हिंसा पर उतारू है, हिंसा कर रही है। तो पूरी रात हंगामा चलता रहा। दरअसल ये जो अब जो हंगामा हो रहा है, क्योंकि दिल्ली को मेयर मिल चुका है, दिल्ली को डिप्टी मेयर मिल चुका है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर संग्राम जो है वो लगातार जारी है। मारपीट हो रही है, बोतल फेंकी जा रही है एक दूसरे पर, कागज के रोल बनाकर फेंके जा रहे हैं एक दूसरे पर। तो इधर एमसीडी की मेयर शैली ने खुद पर अटैक का आरोप लगाया है, और साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये कहते नजर आए कि ये सब कुछ जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं आम आदमी पार्टी के विधायक जनरल सिंह साहब से। जनरल सिंह साहब, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी, पहुंच पा रही है। जी जनरल सर, मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि जिस तरीके से इतने लंबे वक्त से, 80 दिन से दिल्ली की जनता को इंतजार था कि दिल्ली का मेयर कौन, अब मेयर भी मिल गया, डिप्टी मेयर भी मिल गया, लेकिन बीजेपी को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही, इतना हंगामा क्यों बरपा है, ये महाभारत क्यों हो रही है इतनी? देखिए, बीजेपी का जो बौखलाहट है वो कल सदन में सारी दुनिया ने देखी। कल ही क्या, इसके पहले भी तीन बारी जब मेयर बनाने की कोशिश की गई तो सबने बीजेपी की फ्रस्ट्रेशन देखी। दरअसल बीजेपी जो 7 दिसंबर को एमसीडी चुनाव के नतीजे आए हैं उनको अभी तक स्वीकार ही नहीं कर पा रही। जो ये लेंटरों के पैसे लेने का माफिया बना हुआ था, जो हर जगह से एमसीडी उगाही कर रही थी, भ्रष्टाचार का एक बड़ा अड्डा एमसीडी बनी हुई थी, पैसे उगाही का बड़ा अड्डा एक बीजेपी की एमसीडी बनी हुई थी, वो इनके हाथ से निकल गई। इस चीज को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। अब जब जनता ने क्लियर मैंडेट दे दिया आम आदमी पार्टी को, तो हमारा मेयर बनने दीजिए, हमारे को नगर निगम में ईमानदारी के साथ चलाने दीजिए। ये इनसे बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा कि एमसीडी का मेयर क्यों बन गया, एमसीडी का डिप्टी मेयर क्यों बन गया। इसके पहले भी आपने देखा होगा इन्होंने किस तरीके से हमेशा से दिल्ली जो चुनी हुई सरकार होती है वो एल्डरमैन नियुक्त करती आई है। इन्होंने चुपचाप 10 भाजपा के कार्यकर्ताओं को एल्डरमैन बना दिए, चलो जी इससे शायद हमारे नंबर ऊंचे नीचे हो जाए, बाकी हम खरीद फरोख्त करके अपना मेयर बना लेंगे। जो भी हालात है, जो तस्वीरें हम अभी देख पा रहे हैं कि कैसे नौबत हाथापाई तक आ जा रही है, कैसे एक दूसरे पर बोतल फेंकी जा रही है, हमला किया जा रहा है, ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए जो कि 40 दिन है, 40 दिन का जो वक्त है दिल्ली की नई मेयर के पास, भी कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है? देखिए, इनको इस चीज को समझना चाहिए कि जनता ने अल्टीमेटली आम आदमी पार्टी को नगर निगम चलाने का जिम्मा दे दिया है, तो भाजपा को इस निर्णय को स्वीकार करके और दिल्ली का नगर निगम आम आदमी पार्टी को चलाने देना चाहिए, और ये इस चीज को स्वीकार ही नहीं करना चाह रही। अब इसी फ्रस्ट्रेशन में आप देखिए, मतलब मैं आपके विजुअल्स देख रहा हूँ, बहुत ही शर्मनाक हरकतें, मतलब जैसे कोई गुंडे हरकतें कर रहे हो, उस तरीके से नगर निगम के अंदर कल मारपीट हो रही थी। अब इस तरीके से नुकसान तो दिल्ली के लोगों का हो रहा है। दिल्ली के लोग चाहते हैं दिल्ली की डेवलपमेंट हो, जो नगर निगम के काम है, कूड़े के ढेरों से आजादी मिले, दिल्ली में साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था हो, वो काम कब होंगे? अगर आप चुनी हुई सरकार को काम ही नहीं करने देंगे तो हम काम कैसे कर पाएंगे? दिल्ली में भी जहां कोई सरकार अच्छा काम करती है, दिल्ली सरकार के कामों में एलजी साहब अड़ंगे उड़ाते हैं,
और यहाँ पर इनके चुने हुए जो पार्षद भेजे हैं वो काम नहीं करने दे रहे, तो लोग सब देख रहे हैं, लोगों को ये सब नहीं चाहिए। दरअसल लोग काम चाहते हैं, और मैं भाजपा के नेताओं से निवेदन करता हूँ कि जनता के फैसले को स्वीकार करें। हमें मालूम है कि आपकी जो कमाई थी दो नंबर की, इसमें बंद हो रही है, पर जनता का यही फैसला, जनता चाहती है बाहर बैठे और आम आदमी पार्टी को दिल्ली सरकार की तरह नगर निगम चलाकर दिल्ली का सुधार करने दें। लेकिन जो बीजेपी है, मनोज तिवारी की तरफ से ये बयान सामने है कि आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वही हिंसा पर उतारू हैं, वो आम आदमी पार्टी पर ज्यादा स्पष्ट कुछ रह नहीं जाता। इनके नेता कमल जी शरावत जी, रेखा गुप्ता जी आपके कैमरा में साफ साफ दिख रही है, आपकी स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहे हैं, जितने भाजपा के नेता है किस तरीके से दंगबाजी, मैं कह रहा हूँ गुंडई सदन के अंदर कर रहे हैं, मतलब ये सारी मर्यादाओं को पीछे छोड़ चुके हैं और बौखलाड़ के अंदर ही हरकतों में उतर रहे हैं, जैसे कोई सड़क साफ गुंडे हरकतें करते हैं, और इसमें चेहरे भी आसानी से आइडेंटिफाई हो सकते हैं कि कौन हुड़दंग मचा रहा है, कौन मारपीट कर रहा है, तो इसमें मेरे को लगता नहीं किसी किस्म के क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। इसके पहले भी तीन बारी जब जब सदन चला है भाजपा के लोगों की इसी हरकतों की वजह से हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए, उसके बाद कल मेयर और डिप्टी मेयर। लेकिन अब खबर ये भी है कि भाजपा अब तैयारी कर रही है सुप्रीम कोर्ट जाने की। चलिए जनरल सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम बातचीत रखने के लिए और न्यूज़ इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए।